लेट हो गए। अपने बुजुर्गों से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा, आज आपके नेता और पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आपकी और ताकत की जरूरत है, बुजुर्गों के और आशीर्वाद की जरूरत है, नौजवानों आपके और बड़े सहयोग की जरूरत है। माननीय अखिलेश यादव को जरूरत इसलिए भी है, सोचो लड़ाई कैसे लोगों से हो रही है। जो लोग दो दिन पहले सैफई में आके नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, मुझे याद है नेताजी की अस्थियां लेकर हम लोग हरिद्वार भी नहीं पहुंचे थे, ये बीजेपी वाले कहने लगे थे कि मुझे मैनपुरी में कमल खिलाना है। याद होगा, मैनपुरी के लोगों पढ़ा होगा अपने अखबारों में, कितने संवेदनहीन लोग हैं। अरे तुम्हें कमल खिलाने की इतनी जल्दी थी, अरे कम से कम ये बयानबाजी करने में नेताजी का हवन और तेरवी तो हो जाने देते, वो भी आपने नहीं होने दी। सोचो मैनपुरी के लोगों, इतने बीजेपी के संवेदनहीन लोगों की इन बातों को बर्दाश्त करो बताओ, इनका सपना कभी पूरा होने दोगे भाजपाइयों का? तेरवी नहीं होने दी, अस्थियों का विसर्जन नहीं होने दिया और कहने लगे कि मुझे कमल खिलाना है मैनपुरी में। तब मैं अपने लोगों के बीच कहना चाहता हूं, मैनपुरी के लोगों के बीच में, तब मैं नेताजी के लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, इनके कमल की इतनी जमानत जब्त करा दे।